हाँ मेरी जान। सो गाइस वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल संध्या, कैसा लगा प्रैंक? बढ़िया समझ में आया वो द बॉयज वाला मैटर? समझ में आया नहीं आया मैटर समझ में? मुझे अभी व्लॉग तो देखने दो पूरा। अच्छा अभी व्लॉग देख रही है। तो गाइस व्लॉग लाइव हो गया है और अभी टाइम हो रहा है। देखो भाई किस टाइम व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई, 2 बज रहे हैं और ये चाय पी रही है और तुम्हारा भाई अपना प्रोटीन पी रहा है। लेट्स गो। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली जिम पे, वर्कआउट करना है। तो तुषार को भी फोन दिया नहीं है क्योंकि इसमें मैंने एक सिम डाला है, वो सिम अभी चालू नहीं हुआ, वो सिम इसी में पड़ा हुआ है तो व्हाट्सअप चल नहीं पाएगा अगर सिम एक्सचेंज हो गया तो इसलिए अभी तुषार को फोन नहीं दिया है। बट आई होप आज तक आज। यस बेटा, मामू बाइक। हाँ। क्या मामू बाइक? मामू की बाइक। अच्छा वो बुलेट क्यों लेके आए? वो बुलेट मेरी है। नहीं मैं कल देख मामू बाइक। कहाँ है मामू बाइक दिखाओ। चलो चलो अभी ये पी लूँ मैं, पहले ये पी लूँ? अरे रुक जा, नहीं आपके लिए नहीं है बेटा। तो अभी मुझे जाना है जिम। अरे मैं जिम जा नहीं, देखो बीजी बॉडी। अरे बॉडी का मरिया मोरी। अरे बॉडी तो आपकी दिख ही नहीं रही है। अरे भाई साहब, भाई देख रहे हो आरू की बॉडी? वाह आरू, तुम यहाँ खड़े होकर शीशे में देखता रहता ना बॉडी के रिजल्ट वगैरह, मतलब ऐसे करके ये देखो मेरी बॉडी। तो आरू भी सीख गई हो, फिर ये भी बोलती है देखो मेरी बॉडी। आरू वो करके दिखाओ, क्या डिप्स करके दिखाओ। 1 चलो जल्दी करो, ऐसे नहीं वो उठक बैठक। 1 कान पकड़ के जल्दी। 1 10 10 करने। ओके 10। अरे शर्मा जाती है भाई, यहाँ कौन देख रहा है मेरे और इसके अलावा? भी देखो इसे पता है ब्लॉग हो रहा है तो शर्मा आएगी। आप शर्मा क्यों रहे बेटा? करो आप कर सकते हो आरू। चलो 10 times। 1 लेट्स गो, कम ऑन। 1 पापा की परी हो। सो गाइस फाइनली अभी भी जस्ट ये आया है रॉकी के लिए। चलो आ जाओ उसके गले में डालते हैं। तुषार उठ जा भाई, ले इसे पहन के देखियो। आ रहे तेरे पहन के तो देख, ये उसका है। दीजू क्या सही ड्रेस है ना ब्रो? सॉरी ब्रो सॉरी, कोई बात नहीं, उठ नहीं जाता इसलिए मैं तेरे को प्रैंक ये वाला मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ। चाय पी ले फटाफट अपनी, इनके उठने का टाइम देखो। एंड गाइस जो व्लॉग में मिस्टेक करी है वो इसने करी है, इसने। सो मेरे को ना बोला जाए कमेंट में, इसने बोलो, एडिटिंग किंग हो रहा है ये। मैंने जो तुमने एडिट किया था उस व्लॉग का सेम टू सेम। अरे हाँ पता है क्या हुआ, पहले व्लॉग मैंने एडिट किया तो मैंने उसमें डेट व्लॉग वो डाली, ठीक है उसमें डाल दिया मैंने डेट डाली 2003। फिर वो व्लॉग कुछ ग्लिच वगैरह हो रहा था, रेंडर ठीक से नहीं हुआ, फिर वो तुषार ने दोबारा एडिट किया है ना, और तुषार ने भी सेम गलती कर दी। इसको कहते हैं कॉपी करो लेकिन दिमाग से। दूसरे एग्जाम में यही तो होता था, दूसरे बंदे ने गलत आंसर लिख रखा है, उसने ऊपर से पूरा नीचे सही करा, आंसर गलत कर दिया, और तुमने भी ऊपर से नीचे तक सही करा, आंसर वही लिख दिया। कहते क्लास में कॉपी में भी होता था, जब दूसरी कॉपी छाप लेते थे मैडम के पास जाते थे कॉपी, अब हमारे पास ही बैठता था वो, उसकी कॉपी चेक कर, उसकी मैडम ने वो गलती देख ली, ठीक है अब हमारी भी गलती, अब मैंने ध्यान नहीं दिया ना उसने, आपको मैडम ने चेक नहीं मिले। अरे ये क्या है? दोनों से आ जाओ बेटा, आ जाओ बाहर, आ जाओ खड़े हो जाओ बाहर, डंडे पड़ रहे हैं। इससे पता चलता है तुषार चीटिंग करके पास हुआ है। फिलहाल गाइस रॉकी के गले में डालते हैं, रॉकी के लिए मंगाया मैंने। अबे रॉकी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ, कम ऑन। अरे अरे भाई ऊपर, अरे ऊपर, अरे 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 बस आराम से भाई, इतना नहीं नाचना होता है। हमने तो चाय उठा ली भाई। पता चला तुम्हारी चाय पी रहा है। अरे भाई मार दिया पंजा भाई, अरे भाई कितनी तेज मार रहा है। बस आराम से शांत। अरे बस सॉरी ब्रो सॉरी, क्या हुआ? तुम्हारे कंट्रोल में आ गए। अरे क्या हुआ, डर लग रहा है मेरे को। बस बस क्या हुआ? मम्मी भाई क्या कर रहा है ये? बस शांत। अच्छा ठीक है ना, खोल दिया ना अब तेरे को, ये गुस्सा हो रहा है, मैंने इसको बांध रखा था ना। रॉकी रॉकी एक पैर डाला एक पैर निकालते, ओए रुक जा, रुक जा बेटा रुक जा। एक पैर डालो एक पैर निकाल दे रहा, रुक जा बेटा रुक जा। अरे बस भाई कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो। बहुत मार हुआ हमके तो गिरा लिया मैंने। तो भाई रॉकी तो अपना रेडी हो गया है, देखो भाई पूरा कॉलर पॉलर पहन के
मस्त खाएगा एकदम बढ़िया 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 बढ़िया। भाई कल पता क्या हुआ, कल ये खुल गया, मैंने इसलिए मंगाया दुपट्टा क्योंकि कल उसमें खुल जाता है। अभी खुल गया, अभी बाहर कहीं घूम रहा था वहां, कोई उबर या कैब वाला था, उसने भाई गेट खोल के गाड़ी बढ़ा लिया इसको। वो तो पापा इसके पीछे भेजे थे, पापा ने देख लिया भाई, लड़ाई वड़ाई हो जाती, ले जाता हो तो चुपचाप। और क्या, उसने गाड़ी में बिठा लिया, अंदर बिठा लिया भाई, गेट बंद कर लिया। जब भी किसी होता तो पापा ने पकड़ लिया भाई, कहां लेके जा रहा है रुक, नहीं तो भाई इतना अच्छा चला जाएगा ये। बदमाश बदमाश हमारे पापा, ऐसे ऐसी बात नहीं। ओए तुम ये फोन से व्लॉग क्यों कर रहे हो? अबे 13 प्रो से कर रहा हूं क्या व्लॉग? अबे यार मैं सोच रहा हूँ तेरे को पहले गिफ्ट कर दूँ ये वाला फोन। तो गाइस ये वाला फोन तुषार को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ अगेन। तुषार सरप्राइज अगेन या भाई तेरा तेल पे थाई का भी है तो मैं यूज कर रहा हूँ, तुम वो नकली फोन यूज करो तो भाई ये तुषार को मिल जाएगा। ये गाइस ये बस इतना अमीर होना इनके जितना लोग इसको नकली फोन बोले, ठीक है ये इसको नकली फोन। इतना अमीर होना है कि आईफोन को बिना कवर के यूज किया जाए, और अभी तुषार कवर के यूज कर रहा है। रॉकी कह रहा क्या बात है आज इतना प्यार ब्लॉग बन रहा है। रॉकी ने भाई फुल एक्टिंग करी है, रॉकी ने फुल कंटेंट दिया है गाइस। रॉकी ने ठीक है लाइक कर देना, देखो कंटेंट पूरा दिया है, अभी पूरा दिखा रहा है एग्रेशन, उसमें एग्रेशन है नहीं वैसे, फ्रेंडली है बहुत, लेकिन साला मेरे को ही दिखाना है इसको एग्रेशन भी। मैंने ऐसे ट्रेंड किया है ना, तो गाइस अभी चल रहे अपन जिम, ये आ गया रॉकी तो अभी कोई भी घुमा लेगा इसको, खुलेगा नहीं अब फिलहाल, अब देखते हैं इसको ट्राई करते हैं, वैसे खुलता है नहीं, बट अभी चल रहे सीधा जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे और आज करेंगे मिक्स, बहुत मजा आएगा। तुषार को लेके जा रहा हूँ मैं जिम आज, तुषार पता क्या कहता है, पता नहीं कब बनेगी बॉडी, तो आज तुषार को बॉडी दिखाएंगे। तो गाइस फिलहाल वर्कआउट करने पहुंच गए भाई, 4:25 हो गए भाई, करेक्ट 1.5 घंटे पहुंचा हूँ आज। इतना जाम, संडे के दिन भी भाई इतना जाम लग रहा था ना बहुत ज्यादा, तो फिलहाल रेडी होते हैं। एंड यार रिजवान भाई को भी देखो, आप बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, हम लोगों ने मिलके पूरा जिम सेटअप किया है यहाँ CR पार्क में नेहरू प्लेस के पास। ये देखो भाई कैसा लग रहा है जिम, मुझे बताना आप लोग, पीछे तो दिख ही रहा होगा आपको सारा, उधर देखो पूरा कार्डियो का है और पूरा स्टूडियो भी बनाया है, बहुत मेहनत लगी रिजवान भाई, 4-5 महीने भाई फुल टेंशन बाजी रहती थी, फुल अपने, मतलब अपने हाथों से बनाया। हाँ फुल एक एक चीज भाई, एक एक चीज ना, एक एक चीज सब कुछ चूज कर करके भाई, ये सब चीज बढ़िया, बट फाइनली यार जिम भी रेडी हो गया है और अभी चलो यहीं पे वर्कआउट करते हैं। मैं रेडी हो जाता हूँ क्योंकि हालत मेरी ऐसी हो रही है, तो फटाफट मुंह हाथ वगैरह धोते हैं, वॉशरूम पीछे ही अपना, जल्दी से फिर वर्कआउट करते हैं। आज क्या करने वाले हैं? आज पता नहीं, आज मेरा मिक्स वर्कआउट है, बता दूं इनको, ये याद ही रहता भाई मेरे को बताना पड़ता है, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के आता हूँ, एक दिन आऊंगा एक दिन नहीं आऊंगा, क्योंकि भाई डेली आना यार बहुत टफ है, भी पड़ता है काफी। हाँ यहाँ से 35 किलोमीटर है, तो इसलिए एक दिन छोड़ के आता हूँ। तो फिलहाल अभी वर्कआउट करेंगे आज मिक्स वाला वर्कआउट, तो आप लोग भी बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, तो आप लोग बताना कुछ चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं कि मैं ऐसी वर्कआउट करने जा रहा हूँ, पता चल रहा है ये बदलाव नहीं हो रहा है, आप लोग बताना, मुझे तो दिखता है, भैया को भी दिखता है, बीच में छोड़ भी दिया था, बीच में छोड़ भी गया था 2 महीने जब ये जिम सेटअप कर रहे थे उस समय, वर्कआउट का हो रहा था ना, इन्होंने वर्कआउट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो फिलहाल चलो वर्कआउट करते हैं, और कुछ चेंजेस हो तो आप लोग बताना कि भाई हाँ चेंजेस लग रहे हैं, ठीक है एप्स को छोड़ के, एप्स आने में टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो चलो मैं रेडी होता हूँ। एक सेब, 2 चीकू और 1 नारियल पानी, जल्दी से कर दो, पीना ले जाना, नारियल पानी पीना है, बाकी पैक कर देना। सो गाइस सीट बेल्ट यार, वरना ये टू टू करता रहेगा। वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और अभी सीधा घर जाना भाई, बहुत दूर है, मतलब ट्रैफिक ना मिला तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, शाम की स्ट्रीम कर लूंगा, वरना फिर आज स्ट्रीम तो नहीं हो पाएगी। वैसे पता है जब मैं व्लॉग करता हूँ ना, लाओ सर लाओ, धन्यवाद धन्यवाद। सो मैं ये कह रहा था कि भाई जब भी मैं व्लॉग करता हूँ ना, तो 2 कामों में से एक ही काम हो पाते हैं, या तो व्लॉग होंगे या स्ट्रीम होगी, बट अभी जैसे ठंड है ना, तो भाई मॉर्निंग में उठने में दिक्कत हो रही है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। आप भी बताना, आप भी निकल पाते रजाई में से या नहीं निकल पाते,
बट फिलहाल चलो मैं ना, क्योंकि घर बहुत दूर है और एक्सरसाइज के बाद भूख लगती है, तो इसलिए मैं ये पैक करा रहा हूँ सेब और चीकू, यही खाता हूँ पूरे दिन में। सो गाइस चलो यार फिलहाल घर पहुँचते फटाफट से, इनको खाते रहेंगे रास्ते में, आराम से खाते हो जाएंगे बढ़िया, क्योंकि भाई करेक्ट एक घंटा लगता है ज्यादा ट्रैफिक ना हो तो। अरे पता है क्या हुआ, अभी मेरी लड़ाई हो गई थी पीछे, मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था ना, मतलब मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, मतलब सामने से गाड़ी आए, दो लड़के बैठे हुए थे उसमें, वही दिल्ली वाले लड़के, मेरे आगे गाड़ी लगा दी उन्होंने, मैंने इंडिकेटर देके बकायदा मोड़ रहा हूँ, वहाँ पे रेड लाइट नहीं है तो मैंने पहले इंडिकेटर दे रखा था और कट मार रहा था, वही सामने से आके बड़ी तेज गाड़ी लगाई और ऐसे ऐसे कर रहे क्या है क्या है क्या है। अब भाई मैं भी, मैंने क्या है भाई, इंडिकेटर नहीं दिख रहा तुम्हें, तो मेरी बहस हो गई भाई, मतलब बाहर की गाड़ी देख के ना वो थोड़ा दिखाते है अपना भाई, ये तो मैंने देखा है, हम जैसे अब गाजियाबाद में भी कोई रहेगा दिल्ली की गाड़ी, हम भी एकदम नंबर देख लेंगे ना कि भाई दिल्ली की नंबर गाड़ी है तो मतलब कहीं बाहर की होगी, तो हम भी थोड़ा उस पर करते हैं, बट वही चीज़ इन्होंने यहाँ करी, मेरी यूपी गाड़ी देख ली होगी तो समझ रहे होंगे बाहर का लड़का है, पकड़ लो इसको। बट चलो कोई बात नहीं, ना वो उतरे ना मैं उतरा, जरूरत ही नहीं है भाई, रोड पे चल रहे हो तो थोड़ा बहुत गुस्से पे ना काबू करके चलो, बेमतलब पड़ी लकड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस फिलहाल अभी 9:48 हो गए और भाई घर आ गया हूँ मैं, आरू भी यहाँ पर है, आरू फोन में लगे रहते हो आप, बंद करो शॉर्ट वीडियोस कितना देखोगे, मम्मा कहाँ है, मम्मा ऊपर कपड़े धो गई। मम्मा वहाँ खाना बना रही है, आरू आप कब कह रहे हो कपड़े धो रहे हैं, भाई मैं तो यहाँ पे हीटर के आगे हाथ सेक रहा हूँ, बाहर हो रही है बहुत ज्यादा ठंड, और वो देखो रॉकी, हाय रॉकी, रॉकी भाई कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हो यही छोड़ के गया था और ये यहीं पर है, अनी भी आ गया, अनी उतार देना पापा नीचे, आ जा अनी, रॉक चीजी तो उतर रहा है, उतर ही नहीं रहा है, आ जा, हाँ अनी हम व्लॉग कर रहे हैं आप कहाँ थे, अनी कह रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे से कंटेंट निकाला जा रहा है, अनी हाँ अभी आ गया, ओ अरे बड़ा गुस्सा आ रहा है तेरे को, चाचा नहीं पापा, आरू अनी चाचा बोल फिर से, मैं इसको कितनी बार बोल, पापा बोल, पापा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो, चाचा, चाचा नहीं पापा। गाइस मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इसको, देखो बार बार चाचा चाचा बोल रहा है, ये बिस्कुट का पैकेट खोलना है ना, ये खोलना है, पापा बोलो पहले, अनी पापा, भाई पापा नहीं बोलेगा, लो मैं खोल नहीं रहा, अब देखना इसको बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है बिस्कुट का पैकेट खोलने के लिए, पापा बोलो, नहीं लाओ मैं खोल दे रहा हूँ, पापा बोलो, पापा, भाई ये नहीं बोलेगा। सो गाइस फिलहाल तुषार की स्ट्रीम हो गई है फिनिश और ये पार्टी मांग रहा है दीसू से, किस बात की पार्टी मांग रहा है भाई, भाई लैंड टूर्नामेंट भाई, क्वालीफाई करा लैंड जाएंगे ये खेलने, अब लैंड टूर्नामेंट न्यू इंस्टीट्यूट में सामने ऐसे तर 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 तर, दीसू सच में मजाक से हटके लैंड क्वालीफाई किया, टॉप 20 को ले रहे होंगे, टॉप 24 और तुम्हारी 16 पोजीशन, भाई बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन यार भाई, दीशु ना पूरे दिन खेलता रहता था, ये लो पार्टी, छोटी मोटी पार्टी नहीं है, पार्टी चाहिए, अबे इस टाइम कहाँ जाओगे, टाइम भी तो बहुत हो रहा है अभी, कल दे देगा दीशु पार्टी भाई, 10 बज रहे हैं, पिज्जा मंगाओ तो मेरे लिए भी मंगा लेना, ये देखो पिज्जा वाले, गांव बसानी है भिखारी पहले आ गए, एक्सक्यूज मी, यस एक्सक्यूज एक्सक्यूज, मैं गॉड प्रोवाइडर की वाइफ, ओ माय गॉड, इतना एटीट्यूड तो मेरे में भी नहीं है, अरे ये कहावत है भाई, ये मुहावरा है, ये मुहावरा है कि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और लोग पहले से ही कहते हैं भाई मेरा भी कर लेना, मेरा भी कर लेना, तो क्या भाई लैंड टूर्नामेंट करने जाएंगे, वो क्या नहीं हुआ, तो अभी तो मुंबई जाओ खेलें, दिल्ली में पबजी न्यू स्टेट का 1v1 हो जाए मेरे साथ, आ जाऊं तुषार 1v1 चैलेंज न्यू स्टेट में फेल देंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने देना फिर बताता हूँ, हो जाएगा, रूम है तुम पे, चलो अभी दीसू ने लैंड क्वालिफाई किया अपनी टीम के साथ, इसकी टीम में 4-5 बंदे हो रहे हैं, कितने पांच बंदे हैं ये, और अभी मैं दीसू को 1v1 के लिए चैलेंज कर दिया है, और 1v1 करते हैं, ये अच्छा मारा ये तो ठीक है, चलो भाई वो तो मेरे को कंट्रोल नहीं पता अभी, हाँ कंट्रोल होते तो अच्छा होता, भाई कंट्रोल नहीं पता मेरे को अभी, भैया वो एक जो गोली मार रहे हैं ना, एक ही गोली हेडवे मार रहे हो यार, तुम क्वालीफाई कर गए, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, नहीं भाई मान गए भाई, इसने कर दिया काम क्वालीफाई करके, और अभी ये दिल्ली जाएगा तो अपन ब्लॉग बनाएंगे, जय हिंद।
ऐसी जी तब चाहे जिंदगी है।